याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर शोर से कहा था पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन मतलब मास्क के कारोबार पर पाबंदी। आपकी भावनाओं से खेलना देश के प्रधानमंत्री खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य बताऊंगा जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। असम सरकार ने बीफ पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि रेस्टोरेंट में खुले स्थान पर बीफ नहीं मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। अब से पहले असम में मंदिर के आसपास गोमांस इस्तेमाल करने पर बीफ पर रोक थी, लेकिन नए कानून के बाद अब किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बीफ की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर पाबंदी है, खासकर होटल और रेस्टोरेंट में। असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस कदम के पीछे हाल ही में घटित कुछ राजनीतिक दांव पेच हैं। बात शुरू तब हुई जब असम कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन ने एक गंभीर आरोप लगाया। हुसैन ने कहा कि असम में जब हाल ही में उपचुनाव हुए तब भाजपा ने रामगुरी नाम के इलाके में मुस्लिम मतदाताओं को बीफ पार्टी दी। इस आरोप के बाद हेमंत बिस्वा सरमा ने पहले ऐलान किया कि कांग्रेस के नेता अगर चिट्ठी लिख कर दें तो वो राज्य में बीफ बैन कर देंगे, बीफ पर प्रतिबंध लगा देंगे। मगर सोशल मीडिया के इस दौर में जब हर जगह की खबरें हर जगह पसरी रहती हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व एजेंडे को भुनाने की सोची। बाकी नॉर्थ ईस्ट इलाकों की तरह असम में भी बीफ खाना संस्कृति और खान पान का हिस्सा रहा है, चाहे लोग किसी भी धर्म के हों। और हो सकता है कि ये बीफ बैन असम की जनता को नागवार गुजरे, लेकिन हेमंत बिस्वा सरमा मोदी की जगह लेना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ से आगे बढ़ना चाहते हैं आग लगाने में, इसीलिए वो इस रणनीति पर उतर रहा है। असम की जनता को भरे परेशानी हो, लेकिन पूरे देश में चलाए जा रहे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाने में ये भारतीय जनता पार्टी की जरूर मदद करेगा। आज की रिपोर्ट में समझते हैं कि असम का ये बीफ प्रतिबंध क्या एक राजनीतिक एजेंडा है या फिर भारतीय जनता पार्टी के मन में गाय के प्रति एक सच्ची श्रद्धा उमड़ आई है। 1911 से समय समय पर हमारे देश में लाइव स्टॉक सेंसस होती रही है, यानी पशुओं की गिनती। आखिरी बार ये गिनती 2019 में हुई, जो इस तरह की 20वीं सेंसस थी। इसमें गाय की गिनती अलग से तो नहीं है, लेकिन मिल्क एनिमल यानी दूध देने वाली गाय और भैंस मिलाकर 12.5 करोड़ है, और इसमें केवल गाय 1.5 करोड़ है। आप समझ सकते हैं कि बाकी सारी भैंस हैं। यानी गाय भैंस से 10 गुना कम है, लेकिन हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। इससे ये बात तो साफ है कि पूरी दुनिया का 24% दूध उत्पादन जो भारत करता है उसका असली श्रेय भैंस को जाता है, और हमारा देश गौ प्रधान देश ना होकर भैंस पर ज़्यादा निर्भर है। हालांकि हमारे आगे एक तस्वीर बनाई जाती है घर के आंगन में खड़ी गाय की, बचपन से हम इस तस्वीर को देखते आए हैं, परिवार को अपने समझने वाली गाय की। पता नहीं भैंस ने किसका क्या बिगाड़ा, शायद अपने आकार और रंग की वजह से वो राजनीतिक औजार बनने के लिए या श्रद्धा के लिए ठीक नहीं मानी गई। अगर बात कृष्ण भगवान और उनके गाय प्रेम की हो या समुद्र मंथन से निकली कामधेनु की हो, तो इस तरह तो पुराणों में भी भैंस की भी इज्जत है। भैंसा यमराज का वाहन है, लेकिन इस देश को सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाने के बाद बेचारी भैंस और उसके वंश यमराज की बलि चढ़ाते हैं, यानी उन्हें मीट के लिए मार दिया जाता है। भारत पूरी दुनिया में कैरा बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भैंस के मीट को कैरा बीफ बोला जाता है। मोदी जी के पिछले 10 सालों में ये उत्पादन गजब बड़ा है। ये उत्पादन 1500 मैट्रिक टन के आसपास रहा है और भारत मीट के कारोबार में नंबर 1 बना है। थैंक यू मोदी जी, कम से कम आपने मीट में तो भारत को 1 नंबर पे पहुंचा दिया। अब आप कहेंगे कि बात गाय की थी, मैं भैंस को बीच में क्यों ले आया। मैं इसलिए ले आया कि जिस हिंदू धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिंदू धर्म में तो अहिंसा और सभी पशुओं के लिए प्रेम का पाठ है। इसलिए हिंदू धर्म को ज़्यादातर शाकाहारी होने से भी जोड़ा जाता है।
लेकिन हर दूसरे दिन हिंदू धर्म को खतरे में बताने वाले कुछ हिंदू नेताओं को सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात दीगर है कि कई भाजपा नेताओं ने मेरे साथ बैठ के भी मीट खाया है। मजे की बात देखिए, इस लाखों किलो मीट के एक्सपोर्ट का 64%, जी हाँ 64% केवल योगी जी के और हमारे उत्तर प्रदेश से जाता है। समझ गए ना आप? बहुत मजेदार किस्सा बताता हूँ। लूलू मॉल खुला लखनऊ में और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा गया कि योगी जी को इसका उद्घाटन कराना है। चांस की बात थी, तब बकरीद थी और जैसा हर बार होता है बकरीद पे कई सारे लोग भक्त निकल आते हैं और बताने लगते हैं कि कितना गलत है बकरे को काटना, भैंसे को काटना। उसी दिन योगी आदित्यनाथ लूलू मॉल के मालिक के साथ एक गाड़ी में बैठ कर शोरूम को घूमते हुए, लूलू मॉल को घूमते हुए नजर आए। तब लोगों ने कहा कि लूलू मॉल के मालिक के तो उत्तर प्रदेश में कई स्लॉटर हाउस हैं, मतलब लाखों जानवर रोज काटते हैं, उनके संग योगी क्यों घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां गोवंश के साथ साथ भैंस के मांस पर भी प्रतिबंध लगा है। अब वापस गाय पर आते हैं। आधिकारिक तौर पर हमारे देश से केवल भैंस का मीट यानी केरा बीफ ही एक्सपोर्ट हो सकता है। अपने देश से गौ मांस के एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं है और इस बात का क्रेडिट मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाता है। 2012 में देश में कांग्रेस की सरकार थी तब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गौ मांस के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कांग्रेस ने गौ मांस के मीट के कारोबार पर प्रतिबंध लगाया था। 2016 में जब भाजपा की नवनिर्मित सरकार से इसके बारे में सवाल पूछा गया तब यह जानकारी दी गई कि ITC 2012 शेड्यूल 2 के अनुसार गोमांस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध है। मतलब भाजपा के अलावा कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियां भी हैं जो हिंदुओं के गौ प्रेम को समझती हैं, वह भाजपा की तरह ढोल नहीं पीटती हैं। गोमांस के एक्सपोर्ट पर भले प्रतिबंध लगा हो लेकिन मोदी सरकार से ये फिर भी नहीं रुक रहा। 2018 की भी खबर देखिए, भैंस के मीट की आड़ में 1011 टन गोमांस जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए थी उसे देश से बाहर भेजा जा रहा था। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और झारखंड में उस दौरान 2 महीने में 9 FIR हुई। वैसे तो कुछ भी एक्सपोर्ट करने के देश की सीमाओं से बाहर जाना होता है जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। 2018 में मोदी सरकार ही केंद्र में थी और साथ ही महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार चला रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की घटना 2018 के बाद ना हुई हो। पिछले महीने 17 नवंबर को पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के एक कोल्ड स्टोरेज में ट्रक को पकड़ा। इसमें बंगाल से लाया गया 153 टन गौमांस गैर कानूनी एक्सपोर्ट के लिए रखा हुआ था। कोल्ड स्टोरेज मालिक का नाम है पूरन जोशी, यानी पंडित जी गौमांस की तस्करी कर रहे थे। डायरेक्टर हैं खुसरुद्दीन नवी, मैनेजर हैं अक्षय सक्सेना, ट्रक ड्राइवर शिवशंकर और हेल्पर सचिन कुमार, यानी सिर्फ एक मुस्लिम, बाकी सारे हिंदू गौ मांस की तस्करी कर रहे थे। अब यही मुजरिम अगर 4 हिंदू और एक मुस्लिम की बजाय केवल मुस्लिम होते तो अब तक भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसे देश भर में फैला देती, ना जाने कितनी जगह तनाव हो जाता। लेकिन ये खबर कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु हैं तो यहीं पर सबसे ज़्यादा कसाई घर और मीट का व्यापार भी है और इस मीट के धंधे में गौमांस मिलने की खबरें मिलती ही रहेंगी। ऐसा ना हो उसके लिए क्या ठोस कदम भाजपा सरकार उठा रही है ये पता चला आपको, दिखा आपको? लखनऊ के पास में उन्नाव के पास बहुत बड़ी संख्या में अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, किसी को नहीं दिखता। हाँ, दिखाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। 2015 में हरियाणा की भाजपा सरकार ने गौ रक्षा कानून बनाया। 2 साल के अंदर ताबड़तोड़ 800 केस पुलिस ने फाइल कर दिए। 2019 तक आते आते सोचिए कितने मुकदमों में सजा हुई? 0। जी हाँ, 0, क्योंकि अफवाहों के आधार पर कमजोर मुकदमे कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। लेकिन गौ माता को बचाने के नाम पर किसी एक गरीब मुसलमान की बलि जरूर दे दी जाती है और वो भी बस शक के बिना पर। 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में अखलाक के घर से उसको निकाल कर मार दिया गया। बाद में कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अखलाक के पास बीफ था ही नहीं, मटन था। लेकिन इतना कह देने भर से जो मार दिया गया वो तो लौट कर नहीं आएगा। कुछ महीने पहले हरियाणा में एक बंगाली मजदूर को बीफ खाने के नाम पर मार दिया गया। 2 महीने बाद पता चला कि उसके पास बीफ था ही नहीं।
अब सोचिए, गोरक्षा का झंडा उठाने वाले हिंदुत्व संगठन कभी फैक्ट्रियों पर तो रेड नहीं मारते जहां हजारों किलो गोमांस मिल जाता है, बस राजनीति के लिए कोई गरीब अखलाक या अंसारी रोड पर घेर कर मार दिया जाता है। 2010 से 2017 तक देश में गाय के नाम पर हुई हिंसा में 63 मुकदमे हुए, जिसमें से 97% यानी 61 मामले 2014 में आई मोदी सरकार के बाद हुए। साथ में पता चला कि 52% यानी आधे से ज़्यादा मामले सिर्फ अफवाह पर आधारित थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों में 63 में से 32 मामले हुए। इन सब मामलों में हमलों में मरने वाले 28 लोगों में 24 मुसलमान थे। हरियाणा का नूह जिला मुस्लिम बहुल इलाका है। 2022 में गोरक्षा कानून के तहत यहां 69 केसों में फैसला आया, जिसमें से केवल 4 में सजा हुई। 65 मुकदमों में लोग बरी हुए। कोर्ट को यहां तक लिखना पड़ा कि किसी का सिर्फ मुसलमान होना उसे गौ तस्कर नहीं बना देता। इन सब आंकड़ों से ये तो साफ है कि गाय कम बचाई जा रही हैं, राजनीति ज़्यादा हो रही है। अब जिन गायों को बचा भी लिया जाता है वो किस हाल में है, कहाँ है, उसकी बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म में गौशाला का खास महत्व है। जो गाय बूढ़ी हो जाती हैं, जो बछड़े या बैल खेत के काम के नहीं रहते, उन्हें गौशाला में रखने की संस्कृति है जहाँ आखिरी दम तक उसकी सेवा हो सके। लेकिन हो क्या रहा है, जानकर हैरान हो जाएंगे। देश की सबसे बड़ी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और भाजपा के नेता मेनका गांधी ने क्या कहा, जरा देख लीजिए। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए। बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सुखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरी से एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो हैं जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। इस्कॉन ने मेनका गांधी की बात को बिल्कुल नकार दिया, साथ ही 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी कर दिया। मगर अनंतपुर की गौशाला में कोई बछड़ा या सुखी गाय क्यों नहीं थी? हो सकता है मेनका गांधी गलत कह रही हो, या फिर इस्कॉन इसका जवाब कोर्ट में दे, वो फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन मेरा मकसद इस्कॉन की बात करना नहीं है, गाय और गौशाला की बात है। हमने लखनऊ में कई रिपोर्ट्स दिखाई, हमारे रिपोर्टर क्षितिज कांत ने दिखाया कि गौशाला के अंदर गायों का कितना बुरा हाल है। आप सावन के महीने में उत्तर भारत में सड़क पर निकल जाइए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आपको जगह जगह पर गौशाला के घी का घेवर बेचने वाली सैकड़ों दुकानें दिख जाएंगी। घेवर की ये बिक्री सिर्फ सावन के महीने में ही 10 रुपी दुकानों से दिखेगी। सवाल यह है कि जब गौशाला का मकसद बीमार बूढ़ी और सूखी गायों को रखना है तो गौशाला में हजारों किलो घेवर बनाने के लिए दूध और घी कहाँ से आ रहा है? क्या सच में गौशालाओं में बीमार गायों की तीमारदारी हो रही है, या फिर कुछ गौशालाओं में डेयरी का रूप ले लिया है? ये जांच का विषय है। मगर कोई जांच पड़ताल या सच्ची गौरक्षा तब हो जब राजनीति से फुर्सत मिले। लेकिन सिर्फ मेजबानी वादों ने जिस तरह माँ का दर्जा पाने वाली गंगा और यमुना नदी का हाल बेहाल कर दिया है, उसी तरह माता कहीं जाने वाली गाय घरों से निकल कर सड़क पर धूल खाने के लिए मजबूर हैं। पशुओं की जनगणना के आंकड़े एक बार फिर से देखते हैं। आखिरी बिंदु बताता है कि देश में 1,53,00,000 कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं, 1,53,00,000, और लगभग 50,00,000 कैटल यानी मवेशी, 50,00,000 मवेशी। आप और मैं जानते हैं कि देश भर की सड़कों पर कुत्ते के अलावा कौन सा मवेशी मारा मारा घूम रहा है, वो है गाय। हरियाणा के आंकड़े बात को दोहरा देते हैं। 2014 से 2023 के बीच सिर्फ हरियाणा में सड़क पर घूमने वाले मवेशी 2,25,000 से बढ़कर 5,00,000 हो गए। इनको सड़क से बचाने के लिए गौशाला बढ़ाकर 250 से 700 हो गई। हरियाणा गौ सेवा आयोग ने एक साल में केवल 25 करोड़ रुपए की धनराशि 562 गौशालाओं में बांटी, जहाँ 4,52,000 गौवंश है, यानी हर गाय या उसके बछड़े के लिए 600 रुपया। अब सोचिए, हिंदू धर्म बढ़ाने वाली और गाय माता बचाने वाली भाजपा की सरकार गाय के चारे और स्वास्थ्य के लिए बस 600 रुपये दे पाई। इसलिए भूखी प्यासी गाय सड़कों पर है। सड़कों पर घूमने वाली गाय से भाजपा को तकलीफ नहीं है। भाजपा अपने अंधभक्तों के जरिए इसे गाय को खाना देकर पुण्य कमाने की
डोर स्टॉप सुविधा साबित करने को उतारू है। आपको कहीं नहीं जाना, सड़क पर गाड़ी का शीशा नीचे कीजिए और एक रोटी गाय को खिलाकर पुण्य कमा लीजिए। लेकिन इस झूठे पुण्य के चक्कर में गाय पर क्या बीत रही है कोई देख नहीं रहा। मध्य प्रदेश में गौरक्षा के लिए सख्त कानून है, लेकिन उसके हाईवे के बड़े शहरों पर यानी 6 शहरों पर हाईवे पर अगस्त में केवल 1 महीने में 93 गाय एक्सीडेंट से मर गई और 295 घायल हो गई। अब इस गौ हत्या के लिए गाड़ी चलाने वाला कम और सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है। कई लोग भी एक्सीडेंट में मारे गए हैं क्योंकि सड़क गाड़ियों के लिए है, गाय के लिए नहीं। गायों के लिए घर, अस्पताल और गौशाला होनी चाहिए, ना कि सड़क। इसी तरह भाजपा की हरियाणा सरकार के पिछले 5 साल में 3383 एक्सीडेंट सड़क पर मवेशियों की वजह से हुए, जिसमें से 900 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 3000 को चोट आई। यह आंकड़े खुद एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री ने विधानसभा के पटल पर दिए। उत्तर प्रदेश की हालत इससे भी खराब है। असम से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत 8 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में गौ हत्या पर पूरे तरीके से प्रतिबंध है। इसको लेकर केंद्र का कोई कानून नहीं है। उत्तर पूर्व के 6 राज्य के अलावा बंगाल, केरल, सिक्किम और लक्षद्वीप में गौ मांस पर प्रतिबंध नहीं है। कुछ राज्यों में आंशिक प्रतिबंध है। लेकिन आज की रिपोर्ट से ये तो साफ है कि जो राज्य अपनी संस्कृति और खान पान का हवाला देकर गाय को पूजने नहीं मानते, उनके पास तो गलत या सही लेकिन उनका कारण है। लेकिन जो राज्य और उनकी सरकारें, जो ज़्यादातर भाजपा की सरकारें हैं, जहाँ कागजों पर तो गाय बचाई जा रही है लेकिन हकीकत में उसकी हालत बहुत ख़राब है। बीमार, बूढ़ी, सूखी गायों का कोई रखवाला नहीं है। वो शहर की सड़कों पर लाचार घूम रही हैं और जब इस दुर्गति से निजात पाकर दम भी तोड़ दे तो वहाँ भी सम्मान नहीं है। मुर्दा गाय को हैंडल करने का वैज्ञानिक तरीका उसे नमक और केमिकल के साथ दफनाना बताया गया है। हरियाणा और मध्य प्रदेश में इसे समाधि स्कीम का नाम दिया गया है। बाकायदा कानूनी तरीका है कि किस तरह कितना गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया जाए, मगर ये सम्मान भी हकीकत में कम कागज पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। आपने लखनऊ के फरीकाबाद की हाल में 2022 की घटना है, जहाँ खुले मैदान में मुर्दा गायों के लिए गौशाला सड़ने के लिए छोड़ देती थी, कुत्ते और पक्षियों के लिए नोचे जाने के लिए, और गंदर दूर तक उसकी स्मेल फैल जाती थी। ऐसा 7-8 सालों से चल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के लखनऊ की भी कई गौशालाओं की ऐसी तस्वीर दिखाई, मगर फरीकाबाद की 2023 की खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गायों के मृत शरीर सरकारी गौशालाओं के सामने ही पड़े थे। और अब कल की खबर देखिए, नारकी धोकल स्थित गौशाला में मृत गाय का अंतिम संस्कार करने की बजाय आरआरसी सेंटर के पीछे गड्ढे में फेंकवाने का काम किया जा रहा था। खबर में आगे यह भी है कि इसकी सूचना पाकर वहां के बजरंग दल के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। अब सोचिए, जनता ने अपना वोट योगी को दिया है या बजरंग दल को, लेकिन बजरंग दल के पहुंचने पर सनसनी और राजनीति होती है। गाय की असली रक्षा तो कानून और प्रशासन के पालन से ही होती है, ये बात कोई समझता नहीं है। गौवंश के साथ फोटो खिंचवाने वाले योगी और मोदी के राज में कब गायों को सड़कों पर बेसहारा और बेबस होना रुकेगा, कब एक्सीडेंट से गायों का मरना रुकेगा और कब मरी हुई गायों का अपमान रुकेगा, ये अभी देखना बाकी है। या फिर बस हमेशा की तरह वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी, गाय माता सच्ची श्रद्धा और प्यार से दूर रहेगी, ये देखने और सोचने का विषय है। अब इन सारे आंकड़ों के बाद प्रैक्टिकल बात भी करता हूँ। जब योगी सरकार बनी तो मुझे यकीन था कि उत्तर प्रदेश के मॉल में मैं घुसूंगा, सामने बड़ा बोर्ड लगा होगा, दुकान खुली होगी कि यहाँ गौमूत्र गाय का दूध मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मॉल में गौमूत्र और गाय के दूध की दुकानें तो नहीं खुली, शराब की दुकानें पहली बार मॉल में जरूर खुल गई। बड़ा सवाल भी यह है कि केंद्र सरकार अध्यादेश क्यों नहीं ले आती कि पूरे देश में गाय को माँ का दर्जा दिया जाएगा और किसी भी राज्य में गाय को काटने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको किरण रिजिजू का एक विवादित बयान याद होगा, जिसमें वो बीफ पार्टी की वकालत करते हुए कहते हैं कि मैं बीफ खाता हूँ, बहुत विवाद भी हुआ था। तो क्या फिर गाय के लिए सेवा करना गाय के नाम पर राजनीति करना है या कुछ और? मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी रिपोर्ट ये भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।